दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि NCERT की किताबें अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ हम जो आपको तरीका बता रहे हैं उससे आप NCERT की किसी भी क्लास की 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास की किताबें अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इन किताबों की जो ईबुक्स हैं, PDF फाइल्स हैं, वो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं और घर पर बैठ कर ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपको ये जो NCERT की वेबसाइट है इस पर आना है। यहाँ पर इस वेबसाइट का आप लिंक देख सकते हैं। ये आपको टाइप करना है URL बॉक्स में, या पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर आने के बाद यह इस तरह से ओपन हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, आप देख सकते हैं कि ये NCERT की वेबसाइट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी क्लास की किताबें डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आगे आपको बुक सिलेक्ट करनी है कि कौन सी बुक डाउनलोड करनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि 10th क्लास है। उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको बुक, कौन सी बुक डाउनलोड करनी है वो सिलेक्ट करनी है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइंस की 3 किताबें अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो आपको जो भी डाउनलोड करनी हो आप उससे सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं साइंस सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक का कवर है और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं कि इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर हैं वो यहाँ पर हैं। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि चैप्टर 1, 2, 3, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको यहीं पे ओपन करके ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप इस बुक को, पूरी बुक को ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, डाउनलोड कम्प्लीट बुक, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आप, 119 MB की ये ई बुक है। तो जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद आप इस फाइल को अपने मोबाइल में ओपन करके ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फाइल है ये ZIP फाइल में डाउनलोड होगी। ठीक है, तो जब ये डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद पहले आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये आप इसकी पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इस ZIP फाइल को किससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है और अगर अभी आपको इसको ओपन करना है तो सबसे पहले आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाना है। ठीक है, और जहाँ पर भी ये फाइल डाउनलोड हुई है आपको उस जगह पर जाना है। जैसे कि नॉर्मली जो है मोबाइल के डाउनलोड वाला जो फोल्डर होता है उसमें जो फाइल हम डाउनलोड करते हैं वो मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, ये है वो ZIP फाइल जो मैंने अभी भी डाउनलोड की है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि आप क्या इस फाइल को इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या किसी दूसरे फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसी फोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ZIP फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और इसके बाद आप इसको जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको इस विषय के, इस एक बुक के सारे चैप्टर मिल जाएंगे जिन्हें ओपन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, ये जो पहला फोल्डर है ये, इसके अंदर ये जो फाइल है, ये जो बुक है, एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सारे चैप्टर हैं वो आ चुके हैं। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आपको उस पर एक बार क्लिक करना है और उसके बाद उसकी जो ई बुक है वो PDF फाइल में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या तो इस तरीके से आप NCERT की किसी भी क्लास की किताबें अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे वीडियो आगे फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी ऑन कर लें। थैंक यू।